तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फेसबुक पर एक नया आईडी कैसे बनाते हैं। मतलब वीडियो शुरू करते हैं क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि जो अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा होगा, अगर आपसे अकाउंट नहीं बनता तो आप हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम आपको रिप्लाई में अकाउंट बना के दे सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो हम आपको बता देंगे कि अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास होना चाहिए फेसबुक का ऐप। तो फेसबुक का ऐप कहाँ पे आपने डाउनलोड करना है दोस्तों, जैसे आप साइड स्क्रीन पे देख सकते हो। फेसबुक आईडी बनाने के लिए आपने चले जाना फेसबुक ऐप में। तो फेसबुक ऐप अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कहाँ से करिएगा, तो आपने चले जाना प्ले स्टोर ऐप में। और अगर आपके पास प्ले अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो आपने चले जाना एप्पल स्टोर में। तो अभी मैं एंड्रॉयड यूज कर रहा हूं तो मैं चला जाऊंगा दोस्तों प्ले स्टोर ऐप में। जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर को ओपन करेगा तो यहां पे कुछ इस तरह से इंटरफेस बन गया है। तो आपने क्या करना है, सिंपल यहां सर्च का ऑप्शन आ रहा है तो आपने इसी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर आपने लिख देना फेसबुक। ओके दोस्तों, यहाँ पर फेसबुक लाइट, फिर फेसबुक मैसेज। तो हमने क्या करना है, फेसबुक डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेगा, जैसे मैंने डाउनलोड कर रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ओपन पे जैसे ही क्लिक करिएगा, एंटर होइएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा इंटरफेस आपको। तो अगर आपको पुराना आईडी खोलना है तो यहाँ पे क्लिक करिएगा। अगर आपने अपनी पुरानी आईडी को ओपन करनी है तो आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर या जीमेल आईडी से आप लॉगिन कर सकते हैं, बस आपको पासवर्ड याद होना चाहिए। और अगर जो आपको नया आईडी बनाना है तो उसके लिए आपने चले जाना है क्रिएट अकाउंट पे। जैसे आपने क्रिएट अकाउंट पे चले जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बन के आएगा। ऑडियो से आपकी मदद करेंगे ताकि आप आसानी से अपना फेसबुक अकाउंट बना सकें। ऑडियो को रोकने या दोबारा सुनने के लिए स्पीकर वाले बटन को दबाएं। ये देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे स्पीकर है, कंप्यूटर आपके पास मतलब आपको गाइड करता रहेगा कि आपने ऐसे ऐसे करना है। तो जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ रहा है तो हमने क्या करना है, यहीं पे क्लिक कर देना। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे दोस्तों क्लिक करेंगे, नाम क्या है पहले अपना नाम डालें और फिर सरनेम डालें। दोस्तों जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे पहले आपने अपना नाम डालना है, यहाँ पे लास्ट नाम डालना है। मतलब जैसे होता है, कोई होता है सनी कुमार, रवि कुमार, राहुल कुमार, मतलब राहुल कुमार आपका नाम है ना, तो आपने यहाँ पे लिखना है। देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने राहुल, यहाँ पे लिख दिया दोस्तों। देखिए यहाँ पे जैसे कोई मान के चलो कि मेरा नाम राहुल कुमार है तो मैं राहुल यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट नेम पे, और लास्ट नेम पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों कुमार। देखिए जैसे आपका नाम होगा राहुल कुमार, या मान के चलिए विकास कुमार, कुछ भी आपका नाम होगा, तो विकास आपने पहले लिखना है और कुमार बाद में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे आपने लिखने के बाद सिंपल नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, आपकी जन्मतिथि क्या है, अपनी जन्मतिथि चुने, आप चाहें तो बाद में इसे छिपा भी सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपने अपनी जन्म तिथि मतलब डेट ऑफ बर्थ भर देना है। तो यहाँ पे चलिए डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से बन के आएगा। ये आ गया दोस्तों डे, आ गया ये, आ गया मंथ, और ये आ गया ईयर। चलिए जल्दी जल्दी सेट कर लेते हैं इसको दोस्तों। जैसे मेरा है 5 अक्टूबर 2003 का जन्म है मेरा, तो मैं यहाँ पे 5 अक्टूबर 2003 सेलेक्ट कर लिया हूँ। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब सिंपल सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, आप बाद में इसे दूसरों से छिपा सकते हैं। ये पूछ रहा है दोस्तों कि आपका लिंक क्या है, मेल है फीमेल है। तो यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है कि आपका जेंडर क्या है, तो जेंडर दोस्तों यहाँ पे जल्दी से भर देते हैं। यहाँ पे जेंडर भरने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो गोल गोल का निशान आ रहा है यहीं पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप मेल है तो मेल पे क्लिक कर दीजिएगा, और फीमेल है तो फीमेल पे।
तो यहाँ पे मेल पे क्लिक करके अब यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करिएगा आप, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक, अपना वह मोबाइल नंबर डालें जिस पर आपसे संपर्क किया जा सके। आपकी प्रोफाइल पर या किसी को दिखाई नहीं देगा। इसके बजाय आप ईमेल एड्रेस की मदद से अकाउंट बनाने का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। तो जैसा दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल नंबर नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए जीमेल का भी, ईमेल का भी ऑप्शन आ रहा है, तो हम ईमेल पे सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि नंबर हमने क्या करना है, ईमेल पे सिलेक्ट कर लेना। तो जैसे हम यहाँ पे ईमेल सिलेक्ट करने के लिए अंदर जाएंगे, ओपन करेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ अपना वह ईमेल एड्रेस डालें जिस पर आपसे संपर्क किया जा सके। आपकी प्रोफाइल पर या किसी को दिखाई नहीं देगा। इसके बजाय आप मोबाइल नंबर की मदद से अकाउंट बनाने का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। जैसा दोस्तों ये कह रहे हैं कि आप जीमेल आईडी डालिएगा तो ये बस कंपनी वालों के पास रहेगा और किसी को मतलब ऑप्शन में फेसबुक पे किसी को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। चलिए अपना जीमेल जल्दी से यहाँ पे भरने के लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वन टाइप करना है और अपना जीमेल आईडी भर देना है। जैसा दोस्तों यहाँ पे हमने अपना जीमेल आईडी को भर दिया है, तो जीमेल आईडी भरने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे लिख के आएगा दोस्तों कि आप अपनी आईडी का पासवर्ड क्या लिखना चाहते हैं। मतलब पासवर्ड आपने ऐसा रखना है कि जिसमें 6 लेटर हो, 6 नंबर हो और वो पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। जैसा दोस्तों हमने यहाँ पे पासवर्ड भर दिया, आपने क्या करना, पासवर्ड भर के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए मतलब लॉगिन करने के लिए ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे राहुल कुमार लिख के आ रहा है, राहुल कुमार क्या है, जो मैंने अपनी आईडी बनाई है, आईडी का नाम है राहुल कुमार। मैं दूसरे के मोबाइल में, किसी के मोबाइल में लॉगिन करूँगा ना तो मेरे को यही डालना पड़ेगा राहुल कुमार, और जो पासवर्ड मैंने भरा है वो पासवर्ड यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक कर देगा, नहीं तो नोट नाउ पे क्लिक कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, सेव नाउ पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं सेव नाउ पे क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे देखें यहाँ पे लिख के आ रहा है, यहाँ पे इनका कुछ पॉलिसी लिख के आएगा, तो आपने क्या करना है, इसको आई एग्री कर देना है यहाँ पे। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप आई एग्री करिएगा तो थोड़ा टाइम लेगा, प्रोसेस लेगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा अकाउंट बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे लिख रहा है यस कंटिन्यू नो क्रिएट एन अकाउंट, मतलब तो यहाँ पे क्या करना, अपने सिंपल यस कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं यस कंटिन्यू पे तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये। तो दोस्तों हमारा फेसबुक आईडी बनके रेडी हो चुका है। तो जैसा मैं आपको थोड़ा इसको यूज करना भी सिखा देता हूँ। तो जैसे हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन पूछ रहा है, तो नोटिफिकेशन दोस्तों हम अलाउ कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे होम का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे होम का ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद आएगा वीडियो का, उसके बाद आएगा कॉन्टैक्ट का, उसके बाद कुछ भी आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है दोस्तों नोटिफिकेशन का, ये देख सकते हो यहाँ पे घंटी बन के आ रहा है ना, ये देखिए जो घंटी बन के आ रहा है इसको बोलते हैं नोटिफिकेशन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, तो दोस्तों आपने सिंपल कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए जैसे आप फेसबुक में, फेसबुक से आपने वीडियो देखना तो आपने क्या करना है, फेसबुक में चले जाना सिंपल। जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, अब यहाँ पे नोटिफिकेशन पूछ रहा है कि आप फेसबुक को अपना नोटिफिकेशन देना चाहते हैं, मतलब कोई भी आदमी वीडियो अपलोड करेगा या वीडियो लाइक करेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, तो इसको चलिए अलाउ कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, अगर आपको कुछ भी अपलोड करना है अपने फेसबुक, मान के चलो कि मेरे को आपने क्रिएट अ स्टोरी लगाने, तो स्टोरी लगाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्रिएट अ स्टोरी का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट अ स्टोरी का, और जो लोगों ने मतलब मान के चलो कि आपके जो फ्रेंड होंगे उन्होंने स्टोरी लगाई हुई, तो यहाँ पे कुछ जैसे ही आप फेसबुक ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऐसे कुछ तीर का ऐसे बन के आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इधर देखिए ये देखिए ये सब ऑप्शन आ रहा है जिन्होंने
ऐसा ऑप्शन बन के आएगा जिन्होंने अपना स्टोरी लगाया होगा। मान के चलिए कि हम भी स्टोरी लगाएंगे कुछ, तो कुछ इसी तरह से नोटिफिकेशन आएगा और बंदों के पास। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने स्टोरी लगाने के लिए सिंपल क्रिएट स्टोरी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्रिएट स्टोरी पे क्लिक करेंगे हम, ये देखिए जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेगा, अब यहाँ पे आपके मोबाइल में जो भी यहाँ पे डाटा होगा मोबाइल का सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक्सेस दे देना है, मतलब कंटिन्यू करूँगा यहाँ पे तो सारा कुछ आ जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू कर देता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे अलाउ एक्सेस करने को कह रहा है कैमरा रोल, तो यहाँ पे डेनी करना है अलाउ, तो अलाउ कर देना है आपने। अलाउ पे क्लिक करेगा तो एक हो रहा आएगा, ये अलाउ करने को कह रहा है कि आप अपना फ़ोटो और वीडियो YouTube को एक्सेस करने की परमिशन दे रहे हो। तो हाँ मैं दे रहा हूँ, अलाउ पे यहाँ पे क्लिक कर। अब जैसे मैं यहाँ पे अलाउ करूँगा, यहाँ पे देख सकते हो जो भी मेरे मोबाइल में जो भी था फ़ोटो वीडियो सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है। चलिए एक मैं वीडियो देख लेता हूँ स्टोरी लगाने के लिए। जैसा मैंने ये वाला वीडियो स्टोरी लगानी है मैंने दोस्तों, जैसा ये देख सकते हो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। ये देखिए ये वाला वीडियो है, तो इसको स्टोरी लगा के भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से बन के आ रहा है, शेयर फेसबुक और इंस्टाग्राम, मतलब मैंने अपना जो अकाउंट है ये इंस्टाग्राम से जोड़ा हुआ, मैं बस यहाँ पे शेयर करूँगा ना, ये देखिए मैं बस यहाँ पे शेयर करूँगा तो इंस्टाग्राम पे भी मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा और यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। अब अगर मान के चलो कि मेरे को अपने वीडियो में सॉन्ग ऐड करना, तो जैसे यहाँ पे देखे दोस्तों यहाँ पे जो गाने ट्रेंडिंग होंगे सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे गाना आ रहा है तो आप यहाँ से गाना भी ले सकते हैं। तो जैसे ये वाला गाना है, ये देखिए यहाँ पे अब ये ट्रेंडिंग में है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। अब इसको ये देखिए ये हिलता है पूरा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, हमने नीचे कर देना है, ये देखिए नीचे कर देंगे या ऊपर कर देंगे, आवाज़ कम कर दे दोस्तों, ठीक है। जैसा मैंने गाना यहाँ पे लगा लिया ये वाला, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जैसे हमने दोस्तों गाना लगा दिया, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने क्या करना है शेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना सिंपल। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए शेयर हो चुका है, हमारा जो स्टोरी है वो यहाँ पे शेयर हो रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे इस तरह से बन के आ रहा है, जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे करेंगे यहाँ पे देखें अपलोडिंग वीडियो लिख के आ रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा टाइम लगेगा अपलोड होने में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा स्टोरी अपलोड हो रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए जैसे ही आप इधर स्क्रॉल करिएगा, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे दोस्तों आप जैसे ही स्क्रॉल करिएगा, जैसे दोस्तों यहाँ पे हम स्क्रॉल कर रहे हैं देखिए जैसे, तो यहाँ पे ये देखिए ये जो प्रोफाइल है ना राज, तो यहाँ पे देखिए इस प्रोफाइल पे हरे रंग का कुछ बन के आ रहा है। इसका मतलब क्या दोस्तों, इसका मतलब होता है कि ये जो हमारा जो फ्रेंड है ना ये अभी ऑनलाइन है। तो जैसे इससे बात करना है तो बात में मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कि बात कैसे करना है। जैसा देखिए दोस्तों यहाँ पे अमित कुमार जो है ये अभी ऑनलाइन है, तो चलिए इसको पहले फ़ोन करते हैं और आपको दिखाते हैं। फ़ोन कर लेकिन ये आपने क्या करना है, सिंपल जो यहाँ पे हरे रंग का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक और क्लिक करने का ऑप्शन आ रहा है अमित कुमार के ऊपर। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने फिर से एक बार क्लिक कर देना है इस जगह पे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये देखिए भैया का प्रोफाइल खुल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, मैसेज के ऊपर क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप मैसेज के ऊपर क्लिक करिएगा, ये देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक किया कुछ इस तरह से जैसे व्हाट्सअप में होता ना दोस्तों, वैसे ही यहाँ पे पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने कॉल करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए ऑडियो कॉल करने के लिए यहाँ पे और वीडियो कॉल करने के लिए यहाँ पे। तो चलिए हम भैया को सिंपल वीडियो कॉल कर लेते हैं। तो वीडियो कॉल करने के लिए जैसे देखिए आपने इनको मैसेज कुछ करना है, तो यहाँ पे देखिए मैसेज का ऑप्शन आ रहा है। तो मैसेज के ऑप्शन पर आपने क्या करना है, सिंपल से क्लिक कर लेना है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं हाई लिखा, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि मेरे को कोई फ़ोटो भेजना है तो फ़ोटो मैं यहाँ से भेज सकता हूँ, अगर जो कॉलिंग करना है तो कॉलिंग यहाँ से कर सकता हूँ, और ऑडियो के लिए मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ, और अगर लाइक करना मुझको तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लाइक कैसे दबाऊँगा, वैसे ही यहाँ पर नोटिफिकेशन शो हो जाएगा। तो चलिए इनको पहले कॉल करके देखते हैं ये रिसीव करते हैं कि नहीं करते। तो कॉल करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा कॉल का, एक आ रहा वीडियो कॉल का।
चलिए वीडियो कॉल करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे वीडियो कॉल के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए, ये देखिए आप यहाँ पे नोटिफिकेशन पूछेगा आपसे, तो इसको अलाउ कर दीजिएगा, फिर अलाउ कर दीजिएगा ऑडियो और फ़ोन का कॉल भी अलाउ कर दी। अब जैसे ही यहाँ पे करिएगा सारा कुछ, तो ये देखिए कुछ इस तरह से बन के आएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वीडियो बन के आ रहा है, ऑडियो बन के आ रहा है और एक कैमरा बन के आ रहा है और इधर लाल बटन बन गया। मतलब दोस्तों जो व्हाट्सएप पे होता ना सेम वैसे ही बन के आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कॉलिंग जा रहा है, इधर देखिए कॉलिंग लिख रहा है। दोस्तों जैसा आपने देखा हमने भैया से बात किया, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉल कट होने के बाद यहाँ पे देखिए कॉल गुड का ऑप्शन आ रहा है। एक्सपीरियंस कैसा था आपका, क्वालिटी कैसा था, तो क्वालिटी में गुड था और यहाँ पे नॉट बैड था, नॉट गुड मतलब अच्छा था अच्छा नहीं था, तो मेरा गुड था। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल क्लिक कर दूँगा। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे देखिए जो फेसबुक है उसके पास फीडबैक चला गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरह से बन के आएगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। अब जैसा देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा स्टोरी लग चुका है, जैसे मैंने बताया था कॉलिंग से पहले स्टोरी देखने के लिए हम यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे। ये देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हमारा था वीडियो जो हमने स्टोरी पे लगाया था। अब यहाँ पे देखिए तीन बंदों ने स्टोरी को देखा है हमारी, ठीक है। तो स्टोरी देखने के लिए क्या करना, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, देखिए व्यू तीन दिखा रहा है, आग दिखा रहा है और तीन वीडियो तीन बंदे दिखा रहा है। तो स्टोरी देखने के लिए क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए तीन बंदों ने हमारा स्टोरी देखा है। तो यहाँ पे कौन कौन देखा भाई, ये देखिए एक अमित गुप्ता भाई जिसको हमने अभी कॉल किया था, और ये ज्योति शर्मा है, और एक है दीपक राज। मतलब तीन बंदों ने हमारा वीडियो देखा है अभी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बैक हो जाते हैं। तो दोस्तों इस पे फोटो या वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ कि फेसबुक पे वीडियो कैसे पोस्ट करते हैं। तो पोस्ट करने के लिए दोस्तों जैसे हम बैक आ जाते हैं, आपको शुरू से बताते हैं। तो दोस्तों फेसबुक पर फोटो अपलोड करने के लिए हमने क्या करना है, फिर से फेसबुक ऐप में चले जाना है। अब उसके बाद देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस बन के आएगा, ठीक है। मतलब जो होम है वो इस तरह से कुछ आएगा। अब यहाँ पे देखिए जिनको आपने फॉलो किया हुआ या उनका सारा वीडियो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो आपने कुछ जो आपके यार दोस्त होंगे सबका यहाँ पे आ जाएगा, देखिए कुछ इस तरह से। हमने क्या करना है, फोटो अपलोड करना है। तो फोटो अपलोड करने के लिए क्या करना है दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ पे हमने स्टोरी यहाँ से अपलोड किया था हमने, और जो हमने फ़ोटो अपलोड करना है तो फोटो अपलोड करना हमने यहाँ से, जैसे देखिए यहाँ पे होम का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए इसके बगल में ही छोटा सा एक फ़ोटो का ऑप्शन आ रहा है, तो फ़ोटो के ऑप्शन पे क्या करना, हमने क्लिक कर देना सिंपल से। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखिए हमारे मोबाइल के अंदर जो भी होगा सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा, आपने जो भी अपलोड करना है फेसबुक के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। तो आपने जो भी अपलोड करना है उसको क्या करना, आपने सिंपल से सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों, जैसा मैं एक छोटा सा वीडियो ले लेता हूँ, वीडियो अपलोड करता हूँ। तो जैसे देखिए इसको मैं अपलोड करता हूँ, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल से वन क्लिक करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे देखिए हमारा वीडियो आ चुका है, और थोड़ा नीचे चलते हैं, ये देखिए ये हमारा वीडियो दोस्तों आ चुका है। और यहाँ पे देखिए ऐड मोर का ऑप्शन आ रहा, मतलब इसके साथ आप कुछ और ऐड कर सकते हैं या दूसरी वीडियो ऐड कर सकते हैं। तो अभी ऐड नहीं करना, अभी सिंपल क्या करना, हमने सिंपल इसी वीडियो को अपलोड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सिंपल यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर हमने नहीं जाना है, हमने जाना है यहाँ पे पहले ये देखिए अबाउट दिस वीडियो यहाँ पे लिख के आ रहा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने लिखना है कि हम अपने वीडियो के बारे में क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपने वीडियो में एक इलेक्ट्रिक के दुकान का वीडियो बनाया, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक शॉप इन पटना, मतलब पटना के अंदर हमारा शॉप है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही हमने अपना फोटो गैलरी खोला, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। ये देखिए जो भी हमारे मोबाइल में जो भी डाटा होगा सारा यहाँ पे आ जाएगा। चलिए इसमें से एक फ़ोटो ले लेते हैं, जैसे ये वाला फ़ोटो ले लिया हमने,
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बन के आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों इफेक्ट बन के आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे इफेक्ट बन के आ जा रहा है, देखिए। तो यहाँ से आप कोई सा भी इफेक्ट ले सकते हैं, जैसे देखिए मैंने ये वाला लिया तो कुछ इस तरह से बन के आ रहा है, देखिए। मतलब इफेक्ट छोड़ देते हैं, ये दिल वाला देखते हैं एक बार, देखिए दिल वाले में ऐसे दिल बन के आ रहा है कुछ, ये देखिए। अब यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे देखिए अबाउट दिस वीडियो, वीडियो के वीडियो में आप, आपके वीडियो में क्या है, आपके वीडियो में क्या है इसके बारे में आप लिखिए यहाँ पे। तो मेरा फ्रिज का फोटो है तो फ्रिज यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल से। तो यहाँ पे हमने फ्रिज लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इफेक्ट भी हमने लगा दिया। अब हमने क्या करना है, सिंपल नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना, देखिए। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे हमारा जो फोटो है ये पोस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिख क्या, यहाँ पे लिख के आ रहा है कि, देखिए यहाँ पे आ रहा है कि आप जो फोटो अपलोड कर रहे हैं ये किसके पास, मतलब कौन कौन इसको देख सकते हैं। तो या तो आप पब्लिक कर सकते हैं, या फ्रेंड कर सकते हैं, या ओनली फ्रेंड कर सकते हैं, या फिर ओनली, ये देखिए पहला है पब्लिक, एवरी मतलब कोई भी आपका फोटो देख सकता है। एक है फ्रेंड, ओनली एक है फ्रेंड कि आप जो आपका यार दोस्त होगा फेसबुक पे वो देख सकता है। और यहाँ पे देखिए ओनली मी एक लिख के आ रहा, मतलब ओनली मी का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्राइवेट होता है कि खाली मैं देख सकता हूँ अपनी फ़ोटो, खाली मैं खुद देख सकता हूँ और कोई नहीं देख सकता। तो इसको हम पब्लिक कर देंगे सिंपल से। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डन का ऑप्शन आ रहा है तो डन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपका पोस्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो आपने क्या करना है, सिंपल इसी के ऊपर क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेगा, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ बन के आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये अपलोड हो रहा है धीरे धीरे, यहीं पे आपने अपलोड होने, ये देखिए अपलोड हो रहा है। तो हमारा फोटो देखिए दोस्तों, ये हमारा अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब इसको, इसको मान के चलिए कि इसको हमने स्टोरी में लगाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए शेयर के ऑप्शन पे यहाँ पे देखिए, मतलब कोई भी आप वीडियो को अपलोड करते हैं या फोटो अपलोड करते हैं तो उसको स्टोरी लगाने के लिए आपने क्या करना है, शेयर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं शेयर के ऊपर क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे योर स्टोरी लिख के आ रहा, तो योर स्टोरी पर क्या करना है, आपने क्लिक कर देना। अब जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से बन के आया। उसके बाद यहाँ पे आप शेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिएगा। जैसे मैं यहाँ शेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, देखिए मैंने शेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, अभी क्या हुआ कि मेरा स्टोरी जो होता है यहाँ पे स्टोरी, स्टोरी में लग जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे जो स्टोरी का ऑप्शन है, स्टोरी में मेरा जो मैंने अभी पोस्ट किया था यहाँ पे अपलोड हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।